की 7.5 करोड़ जनता, यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, एक एक वो इंसान जो मानवता में भरोसा रखता है, वो इस काम पे लगा है कि कोरोना इस मध्य प्रदेश और देश से जाए, इस महामारी से हम निपटें और इस पर विजय पाए, इस युद्ध में लड़ें। सारे जनप्रतिनिधि और राजनेता भी इस तरह के आग्रह जब करते हैं तो जनता उनको स्वीकार करती, मानती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जब जब जो जो निर्देश देते हैं, कांग्रेस पार्टी भी उसको आगे बढ़ाते हुए जनता से आह्वान करती है कि उन शासन के दिए हुए निर्देशों को हम माने। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण सरकार द्वारा हुई। एक, मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से संवाद किया, विधायकों से और सांसदों से, पर उन्होंने कौन से जनप्रतिनिधि से बात की, जिन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी से चुन के आए और जो अभी जिन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मिलित हुए, जो अभी आज की डेट में विधायक जनप्रतिनिधि नहीं है, बीके हुए जनप्रतिनिधि, कांग्रेस से चुने हुए लोग, उनसे इन्होंने बात नहीं की। एक मुख्यमंत्री का क्या ये व्यवहार लोकतांत्रिक है, संवेदनशील है? आपको इस कोरोना को भगाने को लेकर जो बातें करना चाहिए, जो व्यवहार होना चाहिए, वो इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नहीं है। मेरा आरोप है कि इतनी छोटी मानसिकता का पीछे के दरवाजे से बना हुआ मुख्यमंत्री इस तरह की हरकतें करना, इस महामारी से लड़ना नहीं हो सकता है। आप जब जनप्रतिनिधि से बात करते हैं तो सबसे करें, सबको मिलकर निर्देश दें, सबको किसी न किसी रूप में काम में लगाएं, तो आप प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखोगे। आप भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हो, ये व्यवहार आपका बोलता है।